हेलो एवरीवन इस वीडियो में मैं आपके साथ सीए फाइनल लॉ की अमेंडमेंट्स कवर अप कर रहा हूं और uh, आज हम जो अमेंडमेंट कवर करने जा रहे हैं वो अमेंडमेंट है चैप्टर नंबर वन की डेट इज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स इस चैप्टर के अंदर जो इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट्स रिलीज की है अभी अपनी वेबसाइट पर उन अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ एक अमेंडमेंट है जो रूल नंबर सिक्स के अंदर आती है बट इन एक्चुअल देर आर थ्री अदर टॉपिक्स जिनके अंदर चेंजेस हुए हैं बट इंस्टीट्यूट की अमेंडमेंट्स में या फिर स्टडी मटेरियल के अंदर उनको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है तो क्या वो चेंजेस हैं और जो एक्चुअल अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट ने डाली है एक अमेंडमेंट उसकी डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे मैं आपको पहले तो जो इंस्टीट्यूट की अमेंडमेंट्स हैं वो दिखा रहा हूं ये अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट पर डाली है जिसमें अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2020 एग्जामिनेशन चैप्टर नंबर वन के रिलेशन में सिर्फ एक अमेंडमेंट है जिसको कवरअप किया गया है एंड दैट अमेंडमेंट इज ऑफ रूल नंबर जो एग्जिस्टिंग रूल था उसको हटाकर नया रूल आया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए क्या क्या कंप्लायसेस की रिक्वायरमेंट होगी रूल सिक्स ये कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर फिफ्थ अमेंडमेंट रूल 2019 के थ्रू सब्सटीट्यूट हुआ देयर आफ्टर यही रूल सिक्स फिर लेटर ऑन कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर अमेंडमेंट रूल 2020 के थ्रू चेंज भी हो गया और उसके बाद फर्दर कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर सेकेंड अमेंडमेंट रूल ट्वेंटी के थ्रू फिर चेंज हो गया तो रूल नंबर सिक्स की अमेंडमेंट्स हैं जो इंस्टीट्यूट ने अपनी अमेंडमेंट्स का जो नोट इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है उसके अंदर कवर की गई एक ही रूल है रूल सिक्स उसके अंदर जो अमेंडमेंट्स हैं वो सारी इन्होंने डाली है बिसाइड्स दिस मैंने आपको जो अमेंडमेंट के नोट्स प्रोवाइड किए हैं उन नोट्स में मैंने चार टॉपिक को कवरअप किया है एक छोटा सा पॉइंट जो है रेजिडेंट डायरेक्टर्स के रिलेशन में है दूसरा पॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रिलेशन में रूल नंबर सिक्स जो अभी मैंने आपको इंस्टीट्यूट की अमेंडमेंट नोट्स में भी दिखाया तीसरा पॉइंट डायरेक्टर के आइडेंटिफिकेशन नंबर के अंदर रूल नंबर इलेवन रूल नंबर ट्वेल्व ए रूल नंबर ट्वेल्व बी उसके चेंजेस और आफ्टर एक नए रूल जो मिनिस्ट्री ने इशू किए थे दैट इज कंपनीज क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डाटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रूल्स 2019 नाउ अब जब हम इन सारी अमेंडमेंट्स की बात करते हैं तो रूल्स के रेफरेंस में इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी नोट्स के थ्रू पहले ही ये क्लैरिफिकेशन दी हुई है कि रूल्स एग्जाम में वही पूछे जाएंगे जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में या एकेडमिक अपडेट्स के थ्रू इंस्टीट्यूट आप लोगों को बताता है तो नाउ अब क्या ये रूल सिलेबस का पार्ट है या नहीं है जब ना तो स्टडी मटेरियल में है ना ही एकेडमिक अपडेट में डालें तो मुझे नहीं लगता ये रूल आपके सिलेबस का पार्ट बनेंगे बट मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है डाटा बैंक के ऊपर कंप्लीट वीडियो सेक्शन 150 डाटा बैंक रूल नंबर सिक्स एंड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रूल्स 2019 तो उस वीडियो में ये वाले रूल्स को भी मैंने कवर अप किया हुआ है तो ये वाला पार्ट बेशक आप उस वीडियो में से स्किप कर सकते हैं अब जो बाकी चीज बची इस चैप्टर में मैंने तीन टॉपिक की अमेंडमेंट्स और कवर की हुई हैं, जो इंस्टीट्यूट के ना तो स्टडी मटेरियल में है और ना ही जो एकेडमिक अपडेट अमेंडमेंट्स का इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है उसके अंदर है तो दैट तो मींस आप बची हुई अमेंडमेंट्स को इस चैप्टर की छोड़ भी सकते हैं बट सेफर साइड के लिए मैं इन अमेंडमेंट्स को आप लोगों को कवर करा रहा हूं अब उसके बाद डिसीजन आपने लेना है कि एग्जाम के लिए आप इन अमेंडमेंट्स को कवर करना चाहेंगे या ना करना चाहेंगे सबसे पहले मैं इस चैप्टर की फर्स्ट अमेंडमेंट की आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं और वो रेजिडेंट डायरेक्टर्स केस में अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन वन फोर्टी सब सेक्शन थ्री मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर इशू किया था सर्कुलर नंबर इलेवन टूब्लिक टू थाउजेंड ट्वेंटी और इशू किया था ट्वेंटी फोर्थ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी को ऑब्जेक्टिव था कि कोविड नाइनटीन के थ्रेट्स को देखते हुए कुछ मेजर्स लिए गए थे जिसमें एक मेजर यह था कि फॉर द फाइनेंशियल ईयर नाइनटीन ट्वेंटी यदि मिनिमम रेजिडेंसी ऑफ 182 डेज और मोर इन ईयर एटलीस्ट बाय वन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी यदि फुलफिल नहीं भी होती है तो इसको नॉन कंप्लायंस नहीं माना जाएगा नॉन कंप्लायस ऑफ मिनिमम रेजिडेंसी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट वन एटी टू डेज बाई एटलीस्ट वन डायरेक्टर ऑफ एवरी कंपनी अंडर सेक्शन वन फोर्टी नाइन ऑफ कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन शेल नॉट बी ट्रीटेड एज ए नॉन कंप्लायंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920, इट मींस कि यदि एग्जाम में क्वेश्चन फाइनेंशियल ईयर 1819 का आता है या फिर फाइनेंशियल ईयर 2021 का आता है तो रिक्वायरमेंट है जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है एग्जिस्टिंग कंपनीज के, के केस में एटलीस्ट वन डायरेक्टर वन एटी टू डेज या उससे ज्यादा का पीरियड इंडिया में रिजाइड करेगा एग्जिस्टिंग कंपनी है तो बट न्यू कंपनी के केस में प्रोपोर्शनेट रिक्वायरमेंट का प्रोविजन अप्लाई होगा यह तो एग्जिस्टिंग प्रोविजन ही है लेकिन यह जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है यह अप्लाई होंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1819 एंड फाइनेंशियल ईयर 2021। बट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 ये एक रिलैक्सेशन दी गई है बाय द मिनिस्ट्री थ्रू द सर्कुलर नंबर इलेवन ऑब्लिक टू थाउजेंड ट्वेंटी डेटेड ट्वेंटी फोर्थ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी तो एक तो यह छोटी सी अमेंडमेंट थी ऑफ द रेजिडेंट डायरेक्टर नंबर दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसके डाटा बैंक के अंदर चेंजेस आए थे डाटा बैंक के प्रोविजन में इनका एक अलग से कंप्लीट वीडियो अराउंड वन आर का वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं जिसमें सेक्शन 150 के अंदर जो डाटा बैंक के प्रोविजन थे उनकी बात देर आफ्टर रूल नंबर सिक्स जो सब्सटीट्यूट हुआ था नया रूल और जो रूल सब्स्टिट्यूट हुआ था उसके अंदर जो पीरियड चेंज हुआ था पीरियड कैसे चेंज हुआ वो मैं आपको दिखा देता हूं जो इंस्टीट्यूट ने अपने अकेडमिक अपडेट में दिया है इनिशियली इसके अंदर जो पीरियड आया था वो आया था थ्री मंथ थ्री मंथ का पीरियड कंप्लायंस करने का एप्लीकेशन फाइल करने का उसके बाद फिर रूल के थ्रू थ्री मंथ को चेंज करके फाइव मंथ किया गया था फिर फाइव मंथ को चेंज करके सेवन मंथ कर दिया गया था और आपकी जानकारी के लिए बता दूं जून 2020 में सेवन मंथ को इंक्रीज करके वापस से टेन मंथ कर दिया गया है टेन मंथ कर दिया गया है और तो इसमें काफी अमेंडमेंट्स हैं बट आपके एग्जाम के लिए फॉर द नवंबर 2020 एग्जाम सेवन मंथ का पीरियड है जो एप्लीकेबल होगा तो मैंने अपने नोट्स के अंदर जो आपको पीरियड लिख करके दिया है वो सिर्फ सेवन मंथ का ही पीरियड लिख कर दिया है जो आपको याद रखना है सो so, डाटा बैंक के लिए आप अलग कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं रूल नंबर सिक्स देख सकते हैं और उसी रूल वीडियो में कंपनीज एंड मेंटेनेंस ऑफ डाटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रूल 2019 को भी मैंने कवर अप किया हुआ है उसको आप छोड़ देना वीडियो देखना चाहे 10-15 मिनट का कॉन्सेप्ट होगा तो देखना चाहे देख लें बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको सेफली स्किप कर सकते हैं चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर के ऊपर एक नया रूल आया रूल ट्वेल्व ए और एक रूल आया रूल ट्वेल्व बी दोनों ही रूल ना तो इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में कवर कर रखे हैं और ना ही जो ये अकेडमिक अपडेट इंस्टीट्यूट ने इशू किया है इसके अंदर है अकेडमिक अपडेट के अंदर यदि आप देखते हैं तो चैप्टर नंबर वन में पहला टॉपिक कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर फिफ्थ अमेंडमेंट रूल 2019 जिसमें रूल नंबर सिक्स की डिस्कशन की गई है

इंस्टीट्यूट ने सिर्फ और सिर्फ रूल सिक्स के चेंजेस को आपको कहा है कवरअप करने के लिए बट इसके अलावा जो चेंज चेंज आया है वो है वो रूल नंबर ट्वेल्व ए का रूल नंबर ट्वेल्व बी का एंड साइमल्टेनियसली रूल नंबर इलेवन का भी रूल नंबर इलेवन का भी लेकिन रूल नंबर इलेवन करने का चेंज करने से पहले आपको रूल नंबर ट्वेल्व ए पढ़ लेना चाहिए यदि रूल ट्वेल्व ए पढ़ लेंगे आप तो रूल इलेवन का जो चेंज आया है वो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा रूल ट्वेल्व ए क्या कहता है इसने कहा कोई भी डायरेक्टर है कंपनी का एवरी इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ डिन एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर कोई भी इंडिविजुअल जो एक कंपनी में डायरेक्टर है डिन होल्ड करता है देन वो एक ई फॉर्म डायरेक्टर के वाई सी का दैट इज ई फॉर्म डी आई आर थ्री के वाई सी फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर उस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो एंड हुआ है कब थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च को आपको एक ये फॉर्म सबमिट करना है किसको टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ओन और बिफोर थर्टीएत सितंबर ऑफ इमीडिएट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर दैट मींस यदि मैं फाइनेंशियल ईयर 1819 की बात करता हूं थर्टीएथ सितंबर 2019 तक सबमिट करना है बट इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई थी 14th अक्टूबर 2019 तक यदि मैं फाइनेंशियल ईयर 17 18 की बात करता हूं 30th सितंबर की जगह इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई थी 5th अक्टूबर 2018 तक 30th सितंबर 18 30th सितंबर 2018 की जगह इसकी जो डेट है वो फिफ्थ ऑफ अक्टूबर 2018 कर दी गई अब चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 1920। इसके लिए 30th सितंबर 2019 तक सॉरी ट्वेंटी 30th सितंबर 2020 तक आपको यह फॉर्म सबमिट कराना है अब मान लीजिए यदि एक पर्सन ऑलरेडी 17, 18 में या 18, 19 में यह फॉर्म ऑलरेडी सबमिट करा चुका है तो क्या यह फॉर्म दोबारा से सबमिट करना है दोबारा सबमिशन की रिक्वायरमेंट तब आएगी यदि इस इंडिविजुअल का इधर मोबाइल नंबर पर्सनल मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस चेंज हुआ है तो यदि इस इंडिविजुअल का पर्सनल मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस चेंज हुआ है देन तो आपको ये डी आई आर थ्री के वाई सी दोबारा से फाइल करना पड़ेगा लेकिन एक इंडिविजुअल कह रहे है, ना मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर चेंज हुआ ना मेरा ईमेल आईडी चेंज हुआ तो क्या एवरी ईयर मुझे ये काम करना पड़ेगा के वाई सी अपडेट कराने पड़ेंगे नो no. फिर इस रूल ने कहा आप सिंपल एक वेब फॉर्म यूज करिए डी आई आर थ्री के वाई सी वेब और उसके थ्रू सबमिशन कर दीजिए हम कंप्लायंस मान लेंगे तो ये अमेंडमेंट आई थी कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर थर्ड अमेंडमेंट रूल 2019 25 जुलाई 2019 से इफेक्टिव हुई थी जिसमें कहा गया वियर एन इंडिविजुअल हु हैज ऑलरेडी सबमिटेड ई फॉर्म डी आई आर थ्री के वाई सी इन रिलेशन टू एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मान लीजिए मैं डिपॉजिट करा चुका हूं उसके बाद एटीन नाइन में कोई चेंज नहीं आया कोई चेंज नहीं आया तो ठीक है आपका काम डी आई आर थ्री के वाई सी वेब से चल जाएगा नाइनटीन ट्वेंटी में कोई चेंज नहीं आया ट्वेंटी ट्वेंटी में कोई चेंज नहीं आया ठीक है आप एवरी ईयर क्या करें डी आई आर थ्री के वाई सी वेब फॉर्म थ्रू द वेब सर्विस ऑफ थ्रू द वेब सर्विस ऑफ एम सी ए अपना यह समिशन दे सकते हैं लेकिन यदि आपके पर्सनल मोबाइल नंबर में एक एंड ईमेल एड्रेस में दो जगह पर कोई चेंज आ गया तो आपको दोबारा से क्या करना पड़ेगा डी आई आर थ्री के वाई सी फाइल करना पड़ेगा डी आई आर थ्री के वाई सी फाइल करना पड़ेगा तो नौ अब देखो कि ये रूल ट्वेल्व ए इसने प्रोविजन क्या दिया इसने सिंपली कहा आपको एवरी फाइनेंशियल ईयर के लिए एक फॉर्म डी आई आर थ्री के वाई सी सबमिट करना पड़ेगा यदि आप डिन नंबर होल्ड करते हैं एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर के एंड में यदि आप डिन नंबर होल्ड करते हैं तो आपको ये फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा कब तक इस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद जो थर्टीएस सितंबर आएगी तब तक मैं अपने एग्जांपल में ले लेता हूं फाइनेंशियल ईयर 1920 तो थर्टीएस सितंबर 2020 तक मुझे ये डी आई आर देना है बट यदि मैं पिछले साल ऑलरेडी डी आई भर चुका हूं देन ओके okay, यदि ये ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं आप ऑलरेडी सबमिटेड इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स ओके तो क्या अब भी मुझे दोबारा देना है फिर दो चीजें हो जाएंगी क्या मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में कोई चेंज है यदि चेंज है तो आपको फिर दोबारा से डी आई आर थ्री के वाई सी फाइल करना पड़ेगा लेकिन यदि आप कहते हैं कोई चेंज नहीं है देन आप वेब सर्विस को यूज करके डी आई आर थ्री के वाई सी वेब फॉर्म कर सकते हैं यह अमेंडमेंट है रूल नंबर ट्वेल्व ए के अंदर नाउ अब अब मैं आपको कह रहा हूं रूल नंबर इलेवन देख लीजिए रूल नंबर इलेवन इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के अंदर है रूल नंबर इलेवन मैं वो आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में से ही दिखाता हूं रूल नंबर इलेवन इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के अंदर गिवन है पेज नंबर वन पॉइंट वन फाइव पर और इसके लास्ट पॉइंट पर आ जाइए इसका लास्ट पॉइंट पॉइंट नंबर टू एंड पॉइंट नंबर थ्री पॉइंट नंबर टू ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल डायरेक्टर और एनी ऑफिसर ऑथोराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल डायरेक्टर नॉर्दर्न रीजन ये क्या करेंगे ये एक डायरेक्टर के डिन नंबर को डीएक्टिवेट कर देंगे डीएक्टिवेट कर देंगे कब यदि इंडिविजुअल ने डी आई आर थ्री के वाई सी फाइल नहीं किया तो अब जब रूल ट्वेल्व ए चेंज हुआ तो डी आई आर थ्री के वाई सी के साथ एक नया फॉर्म भी तो आ चुका है दैट इज डी आई आर थ्री के वाई सी वेब तो यहां पर रूल ग्यारह में भी चेंज आया पर्टिकुलर्स इन ई फॉर्म डी आई आर थ्री के वाई सी और डी आई आर थ्री के वाई सी वेब एज द केस में बी एज द केस में तो रूल टू इलेवन के सब रूल टू में आप यह एक एडिशन और कर लीजिएगा यहां पर इंस्टीट्यूट ने, ने क्यों नहीं किया यह चेंज या तो वो उनके माइंड से स्किप हो गया बट क्योंकि यह चेंज हो चुका है तो इंस्टीट्यूट को कर देना चाहिए था नाउ इसके बाद जब यह डीएक्टिवेट दि कर दिया दोबारा से कब एक्टिवेट करोगे जब आप डी आई आर थ्री के वाई सी या डी आई आर थ्री के वाई सी वेब आप क्या करें आप इसको वापिस इंटीमेट कर दें वापिस तो नहीं आपने किया ही नहीं था जब रिक्वायरमेंट थी तो जो फेलियर था आप उस फेलियर को खत्म करके डी आई आर थ्री के वाई सी या डी आई आर थ्री के वाई सी वेब एज द केस में भी उसको फाइल कर डीएक्टिवेटेड इन शेल बी रीएक्टिवेटेड ओनली आफ्टर अच्छा यहां पर भी इंस्टीट्यूट के स्टडी मेटीरियल में थोड़ी सी मिस्टेक है इन्होंने डी आई आर थ्री वर्ड यूज कर लिया डी आई आर थ्री वर्ड थोड़ी आना था डी आई आर थ्री के वाई सी आना था और इसके साथ साथ इसके साथ साथ क्या लिखा जाना था और डी आई आर थ्री के वाई सी वेब एज द केस मे बी ज फाइल द फीस एज प्रिस्क्राइब तो रूल नंबर इलेवन के सब रूल टू में और सब रूल थ्री में ये चेंज भी आया है ये चेंज ना तो इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में कर रखा था और ना ही उन्होंने एकेडमिक अपडेट्स के अंदर ये चेंजेस उन्होंने बताया है मैं आपको इंस्टीट्यूट की सॉरी uh, मिनिस्ट्री की वेबसाइट से भी यह चेंजेस आपको दिखा देता हूं ये देखिए ये है रूल नंबर इलेवन मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर इसके रूल नंबर टू में द सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल डायरेक्टर सो एंड सो शेल डीएक्टिवेट द डिन नंबर ऑफ एन इंडिविजुअल हु डज नॉट इंटीमेट हिज पर्टिकुलर इन ई फॉर्म डी आई आर थ्री के वाई सी और इसके बाद ये वर्ड और आ गए हैं ये वर्ड आप लिख लीजिएगा बेशक स्टडी मटेरियल में नहीं है और ना ही इंस्टीट्यूट के अकेडमिक अपडेट्स में है और द वेब सर्विस डी आई आर थ्री के वाई सी वेब एज द केस में बी एज द केस में बी और फिर रूल नंबर थ्री में जो इंस्टीट्यूट ने वर्ड यूज कर रखा है वो बाई मिस्टेक डी आई आर थ्री है पहले तो आप उसके आगे के वाई सी वर्ड लगा लेना और उसके आगे ये वर्ड और लगा लीजिए और द वेब दर्विस डी आई आर थ्री के वाई सी वेब एज द केस मे बी सो रूल ट्वेल्व ए क्योंकि डी आई आर थ्री के वाई सी के साथ साथ उसने अब आपको सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए डी आई आर थ्री के वाई सी वेब की फैसिलिटी दे रखी है यदि मोबाइल नंबर और पर्सनल ईमेल पर्सनल मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी में कोई चेंज नहीं आया तो आप डी आई आर थ्री सर्विस को तो रूल ट्वेल्व ए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में नहीं है लेकिन उस स्टडी मटेरियल में बेशक गायब है लेकिन रूल नंबर इलेवन स्टडी मटेरियल में है और इसके अंदर यह चेंज है और चेंज में क्या वर्ड आपको ध्यान रखना है ये वर्ड और डी आई आर थ्री के वाई सी वेब एज द केस मे बी राइट अच्छा अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर ट्वेल्व तो इंस्टीट्यूट ने दे रखा है बस उसके बाद ट्वेल्व के आगे इन्होंने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दिया सेक्शन वन सिक्सटी का तो जो ट्वेल्व ए है ना तो स्टडी मेटीरियल ने दिया और ना ही रूल ट्वेल्व ए को अकेडमिक अपडेट में कवर किया गया देयर आफ्टर ट्वेल्व बी ये भी एक रूल 12b companies appointment and qualification of amendment rules 2019 16 मई 2019 से इफेक्टिव हुआ था बट क्यों नहीं इंस्टीट्यूट ने कवर किया वो इंस्टीट्यूट ही बता सकता है बट मैं आपको ये रूल करा रहा हूं एग्जाम के लिए आपको इसको कवर अप कर लेना चाहिए मेरी रिकमेंडेशंस तो यही है चलिए रूल नंबर 12b पर चलते हैं रूल नंबर 12b क्या कहता है इसने कहा यदि कोई कंपनी गवर्न है बाय रूल ट्वेंटी फाइव ए ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल टू थाउजेंड फोर्टीन से अच्छा तो अब आपको रूल ट्वेंटी फाइव ए का पता होना चाहिए एज पर रूल ट्वेंटी फाइव ए ये पॉइंट्स टू रिमेंबर में मैंने दिया है कोई भी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है ऑन और बिफोर थर्टी ऑफ दिसंबर टू उसको एक ई फॉर्म एक्टिव सबमिट करना था अप टू फिफ्टींथ जून टू थाउजेंड नाइनटीन तक कंपनी इन कॉरपोरेटेड टिल थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड सेवेंटीन दे वर रिक्वायर टू सबमिट ई फॉर्म एक्टिव ऑन और बिफोर फिफ्टींथ जून टू थाउजेंड नाइनटीन जिस कंपनी के डायरेक्टर ने इस ई e फॉर्म को नहीं भरवाया जिस कंपनी ने भी इस फॉर्म को, को नहीं भरवाया रिजल्ट उस कंपनी के सारे डायरेक्टर के डिन नंबर को मार्क कर दिया जाएगा एक वर्ड के साथ और वो वर्ड क्या होगा डायरेक्टर ऑफ एक्टिव नॉन कंप्लायंट कंपनी डायरेक्टर ऑफ एक्टिव नॉन कंप्लायंट कंपनी ये मार्किंग कर दी जाएगी ऐसे डायरेक्टर्स के डिन नंबर के साथ जिन कंपनीज में वो डायरेक्टर हैं और उन कंपनीज ने एक्टिव फॉर्म ई फॉर्म फिफ्टींथ जून 2019 तक फिल नहीं करा आगे वेयर द डिन ऑफ ए डायरेक्टर हैज एज डायरेक्टर ऑफ एक्टिव नॉन कंप्लायंट कंपनी तो डायरेक्टर्स आपकी जिम्मेदारी बन जाती है आप अप्रोप्रिएट स्टेप्स उठाएं अप्रोप्रिएट स्टेप किस लिए फाइलिंग ऑफ एक्टिव फॉर्म सच डायरेक्टर शेल टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू एंश्योर दैट ऑल कंपनीज़ गवर्न बाय रूल ट्वेंटी फाइव ए वेयर सच डायरेक्टर हैज बीन अपॉइंटेड फाइल ई फॉर्म एक्टिव वो एक्टिव फॉर्म फाइल कर दे कंपनी एंड जैसे ही एक्टिव फॉर्म फाइल होगा देयर आफ्टर डिन नंबर ऑफ सच डायरेक्टर शेल बी मार्क्ड एज डायरेक्टर ऑफ एक्टिव कंप्लाइंट कंपनी अब ये एक्टिव फॉर्म क्या है ये बेसिकली जैसे शेल कंपनीज की बात होती है कि बड़ी सारी कंपनीज बना ली गई लेकिन एक्चुअल में वो एक्जिस्टेंस नहीं है या किसी छोटे से कमरे में कोई रजिस्टर्ड एड्रेस दिखा दिया गया और वहां पर ताला लगा रहता है कोई काम ही नहीं है तो ऐसी डमी कंपनीज शेल कंपनीज उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उस ऑब्जेक्टिव के साथ इस फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था इस फॉर्म का नाम ही देखे तो क्या है एक्टिव कंपनी टैगिंग आइडेंटिटीज एंड वेरिफिकेशन तो इस पर्पस के लिए इस फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो कंपनी 31 दिसंबर 2017 तक इनकॉर्पोरेट हुई है उनको 15 जून 2019 तक इस फॉर्म को फाइल करना था जिन कंपनीज ने फाइल कर दिया, इट्स ओके। okay. जिन कंपनी ने ये फॉर्म फाइल नहीं किया उन कंपनीज के डायरेक्टर के डिन को मार्क कर दिया जाएगा एज डायरेक्टर ऑफ एक्टिव नॉन कंप्लाइंट कंपनी और फिर उनको अप्रोप्रिएट स्टेप्स उठाने हैं टू इंश्योर कि ये जो उनका जो एक्टिव फॉर्म है जिन जिन कंपनीज में डिफॉल्ट है एक्टिव फॉर्म की कंप्लायंस का उन कंपनीज में एक्टिव फॉर्म को फाइल किया जाए और जैसे ही कम, सारी कंपनीज 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 में में जिन जिन एक्टिव फॉर्म फाइल हो जाएगा उन के डायरेक्टर्स के दिन को मार्क कर दिया जाएगा डायरेक्टर्स ऑफ एक्टिव कंप्लाइंट कंपनी सो ये था रूल ट्वेल्व बी मैंने यहां पर एक नोट दे दिया है आपके रेफरेंस के लिए डिटेल्स ऑफ रूल ट्वेल्व ए स्टडी मटेरियल ऑफ आईसीएआई में कवर नहीं है इसकी अमेंडमेंट इन्होंने मे ट्वेंटी की आरटीपी में जरूर डाली थी लेकिन नवंबर ट्वेंटी एग्जाम्स के लिए जो अमेंडमेंट अपलोड की उसमें ना तो इन्होंने रूल ट्वेल्व ए को कवर किया ना ही रूल ट्वेल्व बी को कवर किया और ना ही रूल ट्वेल्व ए एंड ट्वेल्व बी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में कवर है सो so, जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ अमेंडमेंट शेयर की है नंबर एक रेजिडेंट डायरेक्टर के केस में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए जो मिनिमम रेजिडेंसी का प्रोविजन है 182 डेज और मोर वो अप्लाई नहीं होगा मींस उसकी नॉन कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस काउंट नहीं होगी एक बात नंबर दो रूल नंबर 11 के अंदर डी आई आर थ्री के वाई सी के साथ साथ डी आई आर थ्री के वाई सी वेब फॉर्म को भी आपने मेंशन करना है डीएक्टिवेशन एंड रीएक्टिवेशन के रेफरेंस में नंबर तीन रूल नंबर ट्वेल्व ए वो आपको कवर अप करना है रूल नंबर ट्वेल्व बी वो आपको कवर अप करना है और इसके अलावा कंपनीज क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डाटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रूल्स 2019 इसको आप करना चाहें कर लेना ना करना चाहे ना करें ये मैंने आपको डाटा बैंक के वीडियो के अंदर इसकी डिस्कशन आपके साथ शेयर कर रखी है राइट सो दिस इज ऑल अबाउट द अमेंडमेंट फॉर चैप्टर नंबर वन अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर तो इस वीडियो को यहीं पर ओवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में दूसरी अमेंडमेंट्स की चर्चा